पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन, मुलाकात की दावत, ज़ेर इल्तवा मामलात और तहफ़ुज़ात पर बात होगी। पीपी क़यादत ने बजट पर मुशावरत ना करने और मुआहदे पर अमल ना होने का शिकवा किया था। लीगी क़यादत पहले ही पीपल्स पार्टी को तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा चुकी। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, अगर इससे ज्यादा हुई तो अराकीन खुद जाकर फीडर ऑन करें, सबसे आगे मैं खुद हूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी अराकीन को हिदायत, एक बार फिर नेशनल ग्रिड की बिजली बंद करने की धमकी, कहा बिजली कम की गई तो यहां से मेन स्विच ऑफ कर दूंगा। पुलिस पेस्को के कहने पर किसी पर पर्चा नहीं काटेगी, ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, किस तरह निकालना है मुझे पता है, आपको लाने वाले भी नहीं बचा सकेंगे, धक्के देकर निकालेंगे फिर चीखें निकलेंगी। शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूं, सूबे का पैसा दे वरना आईएमएफ को बता देंगे कि हमारे नाम पर पैसे लेते हैं और हमें देते भी नहीं, अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। खुद फीडर ऑन कराने के ऐलान के बाद अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान के ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। हुकाम को 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना करने की हिदायत, खुद शेड्यूल बना कर दिया। एमपीए फजल इलाही एक बार फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती दाखिल, 80% से ज्यादा लाइन लॉसेस वाले 4 फीडर्स खोल दिए। फजल इलाही गुज़श्ता रोज भी रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुसे। पेस्को हुकाम की दरखास्त पर थाना मथुरा और रहमान बाबा में मुकदमा दर्ज, फजल इलाही के बजाय असिस्टेंट नामजद। नौशहरा में वापदा के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 70 शहरी नामजद। 18 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ सवाबी में एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में अलाइश सड़कों पर मौजूद, धमकी वजीर आला पहले कूड़ा तो उठा ले, कचरा उठाने के लिए मरियम नवाज की नकल करना पड़ती है, वो भी नहीं हो रही, काम करते हुए कोई एक तस्वीर तो दिखा दे वरना लाहौर आ जाएं, दिखाएंगे काम कैसे किया जाता है। अजमा बुखारी का चैलेंज, कहा ये लोग ईद वाले दिन भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते, इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही, सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करते हैं, इनको देखना चाहिए कि बिजली के कितने पैसे देने हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फोन, ईद की मुबारकबाद, मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया, दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। शेख मोहम्मद बिन जायद की जल्द सरकारी दौरे करने पर रजामंदी। एक सियासी जमात ट्रोल कर दी गई, कभी सियासतदानों तो कभी इदारों के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है, ये तर्ज सियासत जमहूरी है ना ही तामीरी, अब पाकिस्तान और चीन के तालुकात को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा तासुर देने की कोशिश की गई कि पाक चीन तालुकात में कमी आ गई मगर चीन ने उसकी तरदीद की, कहा सी पैक को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज, वजीर आजम का सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वजीर आला और टीम को शाबाश, कहा ड्रोन के इस्तेमाल से नहर में गंदगी फेंकने के वाकयात में 80% कमी काबिल सताइश है, शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है, उम्मीद है अवामी खिदमत का मयार ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि मजीद बेहतरी आएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन का तीसरा रोज, गंदगी और बदबू के खात्मे के लिए सड़कों पर चूने का छिड़काव, पहली बार लाहौर नहर की ड्रोन से निगरानी, गंदगी फेंकने पर 30 FIRs दर्ज, 2,80,000 के जुर्माने, मरियम नवाज का अमले को 1 माह की तनख्वाह इनाम देने का ऐलान, कहती हैं सबने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई, ईद पर सफाई का जो स्टैंडर्ड बना उसे कायम रखना है, सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निजाम ला रहे हैं। आबाई इलाकों में ईद मनाकर वापसी, मरियम नवाज की मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म, मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, कहा ओवरचार्जिंग पर इजाफी किराया वापस कराएं और जुर्माना करें, गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना करने दी जाए। ईद
ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, दोस्तों अजीजों के साथ बैठक और दावतें, चटपटे खानों से दस्तरखान सज गए। मेहमानों के लिए बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई से उनकी तवाजो की जा रही है। अवाम की बड़ी तादाद सैर सपाटों में मसरूफ, पार्क्स में रश, छांगा मांगा में बच्चों की मौज मस्तियां, कश्ती रानी और झूलों के मजे, कराची के साहिल पर तफरीह के लिए आए लोगों का रश, मंचलों के कहीं नहर तो कहीं दरिया किनारे डेरे। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफी का कत्ल, खलील जिब्रान की आबाई इलाके खैबर में नमाज जनाजा अदा, सहाफियों और शहरियों की शिरकत, वाकई का मुकदमा, जख्मी वकील की मुदैयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, दहशत गर्दी के दफात शामिल, वाकई के खिलाफ सहाफियों और अहले खाना का एहतजाज, पाक अफगान शहरा पर धरना, वजीर आजम शहबाज शरीफ की खलील जिब्रान के कत्ल की शदीद मजम्मत, वजीर आला और मुतलका हुकाम को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और कानून के मुताबिक सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। चौबीस साल बाद रूसी सदर का दौरा है शुमाली कोरिया, व्लादिमीर पुतिन की किम जोंग उन से मुलाकात, दिफाई और मुआशी तआवुन के वादों पर गुफ्तगू, रूस और शुमाली कोरिया की बढ़ती दोस्ती पर अमरीका और मगरबी ममालिक को तशवीश, यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार फराहम करने का खदशा। सऊदी वजारत हज उमरा का बेहतरीन खिदमात फराहम करने वालों को इजाजत, बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ममालिक को लबीथम अवार्ड दिया गया, तालीमात पर अमल करने का अवार्ड तुर्की, चीन और जनूबी अफ्रीका के इदारों को दिया गया, खिदमात से मुस्तफीद होने वालों की रजामंदी का अवार्ड मलाइशिया और उर्दन को मिला। नारोवाल, हाफिजाबाद, मुरीद के समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों ने सुख का सांस लिया, आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी तेज आंधी के साथ बरसात और झालाबारी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गर्मी की इंतहा, दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, हीट वेव से 5 अफराद हलाक, असम में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 31 अफराद हलाक, रियासत के 470 देहात सैलाब में डूब गए। टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरला आज से शुरू होगा, जनूबी अफ्रीका की टीम अमरीका से टकराएगी, मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, कौमी क्रिकेटर्स की वतन वापसी, नसीम शाह और उस्मान खान लाहौर पहुंच गए, बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स अमरीका में कुछ दिन कयाम के बाद वापस आएंगे। नारोवाल, हाफिजाबाद, मुरीद के समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों ने सुख का सांस लिया, आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी तेज आंधी के साथ बरसात और झालाबारी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गर्मी की इंतहा, दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, हीट वेव से 5 अफराद हलाक, असम में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 31 अफराद हलाक, रियासत के 470 देहात सैलाब में डूब गए। टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरला आज से शुरू होगा, जनूबी अफ्रीका की टीम अमरीका से टकराएगी, मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, कौमी क्रिकेटर्स की वतन वापसी, नसीम शाह और उस्मान खान लाहौर पहुंच गए, बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स अमरीका में कुछ दिन कयाम के बाद वापस आएंगे।